चंगे चंगे पाने, नरम भी नहीं पाने। तो सूरज जो डूबा हुआ वो नजर नहीं आ रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है डेटा के, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी तकरीबन 4 बज चुके हैं, तो रंधावा साहब मेरे साथ ही हैं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम आए थे यूनिवर्सिटी घर, तो अभी हम दोबारा जाने लगे हैं। तो गैलगा मॉल वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करनी है अस्सलाम साहब ने, और पिज्ज़ा वगैरह खाना है। तो अभी हम आ गए हैं गैलगा मॉल, तो फोर्थ फ्लोर पे, यहाँ पे शॉपिंग हमने नीचे की नहीं है, तो कुछ पसंद ही नहीं है। तो अभी यहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है, पिज़्ज़ा खाने लगे अभी। तो मैंने रंधावा साहब को कहा, मेरे पीछे फंको है, फंको तो वहाँ पे जाएँ। तो वहाँ पे जाके देखा कि इतना खास बना नहीं हुआ वो बच्चों के लिए, तो वो भी कैंसिल हो गया प्रोग्राम हमारा। तो अभी यहाँ पे देखेंगे पिज़्ज़ा वगैरह खा के। आज रंधावा साहब, आपका इंतज़ार था मुझे। हमने खा लिया, अभी वापस जाने लगे हैं। तो पिज्जे के बाद चॉकलेट कॉफी, कोल्ड कॉफी पीने लगे अभी। अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो गुलाबपुर गैलरी से बाहर आ गए हैं। तो अभी हम जाने लगे वापस रंधावा साहब को, मैं उतारूंगा जीटीएस अड्डे पे और मैं चला जाऊंगा स्मूथी चला ताला। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुका हूं घर। तो अभी तकरीबन 7:30 हो गए हैं। तो अभी मैं कंप्यूटर चला के अपना जो डाटा वगैरह है वो इस पे ट्रांसफर करने लगा हूं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी 11 बज चुके हैं, तो मैं अभी नाश्ता करने लगा हूं। यहां पे भी फूल निकला है, और यहां पे भी निकलने वाला है, और यहां पे भी निकलने वाला है। और ये दो फूल निकला है, और ये फूल टूट के गिर चुका है। तो अभी करने लगा हूं मैं नाश्ता, तो अंडा और रोटी खाते हैं नाश्ता साथ चाय। अभी मैं अपने रूम में बैठ के ब्लॉग एडिट कर रहा था, और बिजली चली गई। तो मैंने अपना ड्रोन है वो भी चार्जिंग पे लगाया था, तो ये बैटरी है इसकी ओरिजिनल बैटरी, तो ये चार्ज नहीं हो रही। आज चार्ज करते हैं, अगर तो ये चार्ज होगी तो ड्रोन उड़ जाएगा, अगर चार्ज नहीं हुई तो फिर दूसरी बैटरी चार्ज करेंगे, अगर वो चार्ज होगी तो फिर ड्रोन उड़ जाएगा, वरना नहीं उड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले वो चार्ज की थी तो ड्रोन नहीं उड़ा, तो आज दोबारा कोशिश करने लगा हूं। तो चार्ज करते हैं, तो देखते हैं फिर ड्रोन उड़ता कि नहीं उड़ता। तो बाहर आ गया सब्जी वाला कह रही है, फल वाला, तो उससे जा गया अभी फ्रूट लेते हैं, तो देखते हैं कौन सा फ्रूट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पानी कहाँ से आ गया इतना ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, माधुल लभी है ना, किन्नु चंगे है, चंगे चंगे पाने नहीं, मक्खी का लगे वो नहीं पाने, उदन ले थे उन्होंने लगी थी, चंगे चंगे पाने, नरम भी नहीं बोले पाने। तो 2 किलो कर दो। अस्सलाम वालेकुम भाई, फिर क्या हाल चाल है। अच्छे दे यार 500 दे, दे क्यों नहीं है, 500 रुपये भी नहीं आ गए। अस्सलाम वालेकुम, ओए 500 वाले दो नोट दें, दे यार अली इदा ना कर। अली भाई की दुकान से मिल गई है चेंज, तो अभी जाके पैसे देते उसे, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। तकरीबन 1 बज चुका है, और मैं जाने लगा बाजार, बाजार से लेके आना एक खोया और दूध, सूखा दूध, क्योंकि गाजरों का हलवा बनने लगा है, तो उसके लिए सूखा दूध और खोया चाहिए, तो वो अभी लेने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सूखा दूध आधा किलो, एवरीडे नहीं, बड़ी पैकिंग नहीं है, 550 वाली पैकिंग होनी है, 350 ग्राम वाली कर दी।
अस्सलाम वालेकुम। खोया दियो आधा किलो, फ्रेश ही है ना? फ्रेश फ्रेश। अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं और लाइट अभी तक आई नहीं है, जनरेटर चल रहा है अभी, तो खाने का टाइम हो गया। तो मैं खाने लगा हूँ चावल, तो चिकन पुलाव बना हुआ है तो वो खाते हैं अभी। अभी बज चुके हैं तकरीबन 3:30 हो गए हैं, तो हम जाने लगे हैं बाजार अलमैक्सी सेंटर। तो वहाँ से मैंने अपने रूम के लिए पर्दे वगैरह बाय करने, तो उसके लिए बाजार जाने लगे। तो मेरे बाल है ना, जो सारा दिन ऐसे रहते हैं खराब से, तो ठीक होते नहीं है। अब ठीक है, मेरे ख्याल थोड़े से फिर खराब हो गए, चलो कोई नहीं, खैर है। तो पहले बाजार चलते हैं, तो पर्दे लेके आते हैं। मेरे कमरे के हिसाब से नीला कलर अच्छा लगना, नीला कलर दिखाओ। आ कलर ठीक है, आ कलर ठीक है। आ किन्ने वाला? तो अभी ये वाले पर्दे डिसाइड हो गए, तो बिल बन चुका है। तो तकरीबन 2250 रुपए का बिल बना, तो वहाँ पे काउंटर है, तो उधर जाके अभी बिल पे करते हैं इसका। तो बिल भी पे हो चुका है, तो ये पर्ची मिल गई है, तो अभी काउंटर से जाके रिसीव करते हैं सामने। पर्दे तो मैं लेके आ गया हूँ, तो अभी जाके इन्हें लगाते हैं अपने कमरे में। तो पर्दे मैंने लगा दिए, तो ये पर्दे लग गए, तो पुराने पर्दे यहाँ पे पड़े, तो ये फट चुके थे सारे, तो ये उतार दिए, तो अब इनकी जगह ये लग गया, तो बड़ा अच्छे लग रहे हैं ये मेरून कलर साथ ब्लू वॉल। अभी शाम के 4:30 हो गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। तो ड्रोन जो था वो चार्ज ही नहीं हो सका, क्योंकि सारे दिन जो है वो बिजली आई नहीं थी 12 बजे से 2 बजे तक, तो कंप्यूटर मैंने चलाया नहीं, तो वो चार्ज ही नहीं हुआ। तो आज ड्रोन उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि शाम हो गई है, तो धुंध जो पड़ना स्टार्ट हो गई है अभी से फिलहाल। तो अभी छत पे जाके दिखाता हूँ अगर कुछ नजर आया तो। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से नहीं, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो धुंधला सला हुआ पड़ा, तो यहाँ से देखें तो सारा धुंधला हुआ पड़ा। तो सूरज जो डूबा हुआ वो नजर नहीं आ रहा कि सूरज कहाँ गया। तो अभी 4:30 हुए हैं, धुंध अभी पीछे पड़ गई है, धुंध है कि वो स्मोक है ये नहीं पता, तो काफी आलूदा हुई है फसल। पाजू वगैरह ऊपर कल ने अभी धोने लगा हूँ मैं गाजरे, तो हलवे के लिए जो मैं लेके आया था, क्या कहते हैं उसे, खोया। तो अभी गाजरे जोते, तो आप हैरान हो रहे, हाथ तो मेरे दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कैमरा कैसे है? तो हेलमेट जो मैंने लिया था व्लॉगिंग के लिए, मोटो व्लॉगिंग के लिए, तो मोटो व्लॉगिंग तो फिलहाल मैं कर नहीं रहा, तो कैमरा जो है हेलमेट वो इस इस्तेमाल पे आ गया, तो अच्छी चीज है, कोई नहीं इस्तेमाल पे तो आ रही है ना, अगर मोटो व्लॉगिंग में नहीं आ रही तो इस काम में इस्तेमाल होगी। तो गाजरें अभी धो लेते हैं सारी, तो फिर हलवा बनेगा। आजकल गाजरें वैसे में सस्ती हो जाती हैं, तो इनका जूस निकाल के पिया करें तो काफी अच्छा होता है। तो मेरी इस साइड पे जो बर्तन धोने वाले पड़े हैं, और इस साइड पे मैं गाजरें धो रहा हूँ गाजरें। चलो जी, सारी गाजरें धुल गई, अब ये होंगी कद्दूकश मशीन में, कद्दूकश होने के बाद बनेगा इनका हलवा। धुल गई, अभी मैं बैठा अपना व्लॉग जो है वो एडिट कर रहा था, तो मैं बाहर निकला हूँ, बाहर निकला तो इतनी ज्यादा ठंड थी, तो मैंने अपनी कैप वगैरह अपनी पहन ली है। तो 8:30 हो चुके हैं, तो अभी पानी लेने जाना है नहर से, तो ठंड काफी ज्यादा हो गई, तो कैप भी मैंने पहले अभी जाते हैं पानी लेके आते हैं, तो फिर आगे इंशाल्लाह खाना खाएंगे। तो बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है। ये देखें रात टाइम समुद्री का मंजर, अब सर्दी ज्यादा होने लग पड़ी है, दिन टाइम कम होती है, अब धुंध पड़ने लगी है। ये स्वयं भाई देखें, तो काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पे, तो हाथ जम रहे हैं मेरे, तो जल्दी जल्दी से पानी भर के कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी यहाँ पे। अच्छा क्या मैंने कैप पहन ली है, तो बहुत ज्यादा सर्दी है आज। तो पानी लेके मैं घर आ गया, तो सर्दी बहुत ज्यादा है पानी, तो हाथ मेरे बर्फ की तरह जम गए हैं। तो अभी मैं खाना खाने लगा, तो मेरे चावल यहाँ पे पड़े, अभी ओवन में रख के गर्म करते हैं।
खाना मैंने खा लिया है, तो अभी हलवा भी बन गया है, तो अभी हलवा खाने लगा हूँ और साथ उबला हुआ अंडा है साथ। अभी 11:45 हो गए हैं और मैं अभी व्लॉग एडिट कर रहा था अपना यहाँ पे आके, तो कमरा काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है अभी मेरा, तो सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये व्लॉग मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो आपका अगर आज वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को करें लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ करें शेयर। तब तक लेता ही अल्लाह हाफिज़।